दुर्ग स्थित ठगड़ा बांध का कार्य इन दिनों काफी धीमी गति से चल रहा है। ठगड़ा बांध को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा था कि कार्य पूरा कर जल्द इसका शुभारंभ किया जाएगा, जिसके बाद दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने निगम अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक लेकर कार्य में तेजी लाने की हिदायत दी थी। आज से 3 माह पूर्व दुर्ग विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने ये भी कहा था कि फरवरी माह तक ठगड़ा बांध का शुभारंभ किया जाएगा, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। थोड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। 1.5 साल पहले इसका भूमि पूजन किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और 9 महीने के अंदर ये बन जाना चाहिए था, लेकिन आज 17-18 महीने हो गए इसका निर्माण पूरा नहीं हो सका है। और हमने अभी अधिकारियों से कहा है कि इसको फरवरी तक पूरा करें और ये जनता को समर्पित करें। 14 करोड़ की लागत से ठगड़ा बांध का सौंदर्यीकरण होना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी हमारी, हमने इसको स्वीकृति दिलाई माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इसमें स्वीकृति दी, लेकिन काम तो इन अधिकारियों को ही करना है। इसमें जरा भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अब आज ही मैंने इनके प्रमुख अधिकारी से बात की है मंत्रालय में, उन्होंने कहा है कि नगर निगम के अधिकारियों को भेजें और हम इसके लिए जो राशि है उसकी स्वीकृति देते हैं। का काम बचा है, प्योर ब्लॉक लगना और लक्ष्मण झूला बनना, ऐसे बहुत से छोटे छोटे कार्य अभी बचे हैं। तो हम लोग को उम्मीद है फरवरी लास्ट से मार्च फर्स्ट वीक में इसका माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जैसे माननीय विधायक जी की मंशा है कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका हम जल्द ही इसका लोकार्पण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ठोस नहीं था, चौपाटी चौपट उस पार्टी का आप देख रहे हैं स्थिति, जलकलस तारामंडल, एक भी कार्य पिछले 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, एक भी कार्य आप ऐसा बता दीजिए जो उल्लेखनीय हो, जो बताया जा सके। तो उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं, इसका बकायदा प्रोफेशनल मैनेजमेंट किया जाएगा। और हमारा जिस रूप हम इसको देख रहे हैं, हम लोग को ऐसा लग रहा है राजधानी के लोग भी ठगड़ा बांध को देखने आए। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ भिलाई में अपनी परिषद बनाई, वहाँ पर परिषद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछले 3 सालों में काम किया है, तो जितने भी चुनाव हुए उसमें सभी जगह कांग्रेस अपनी उल्लेखनीय जीत दर्ज करी।